हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपको लेसन प्लान की फ़ाइल बनानी होती है और सेकंड सेमेस्टर में आपको सूक्ष्म शिक्षण की माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लान की फ़ाइल बनानी होती है। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जो होता है उसमें 10 लेसन्स होते हैं और माइक्रो टीचिंग के बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में लेसन प्लान की फ़ाइल बनाते हैं उसमें 20 लेसन प्लान्स आपको बनाने होते हैं। ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो सिविक्स हो सकता है आपका, साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, हिंदी इंग्लिश हो सकता है। तो ये वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान है, पाठ योजना एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरे के पूरे 20 लेसन्स प्लान आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको पूरा पूरा कंटेंट हेल्पफुल होगा आपके लेसन प्लान के लिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना एक, जिसमें ब्लैक बोर्ड पर दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण और अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य छात्रों को अर्थशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यापक चेतना का विकास करना, छात्रों में कुशल उपभोक्ता तथा उत्पादक के गुणों से युक्त नागरिकता का विकास करना, छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक जगत में देश के स्थान एवं महत्व को ज्ञान कराना, ये हमारा इस का उद्देश्य होता है। फिर विशिष्ट उद्देश्य यानी ये कुछ स्पेशल उद्देश्य होगा इस लेसन प्लान को पढ़ाने का या लेसन को पढ़ाने का, उसमें होगा आपका सबसे पहले ज्ञान। छात्र अर्थशास्त्र के परिचय को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र अर्थशास्त्र के विषय के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। फिर बोध, छात्र अर्थशास्त्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे, छात्र अर्थशास्त्र का परिचय करने में सक्षम हो सकेंगे। ज्ञान उपयोग, छात्र अर्थशास्त्र का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र अर्थशास्त्र का मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकेंगे। फिर भावनात्मक पक्ष जो इसका होगा वो क्या होगा, छात्र अर्थशास्त्र के विषय में अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे, छात्र में अर्थशास्त्र के परिचय का अध्ययन करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकेगी। फिर कौशलात्मक जो इसका उद्देश्य होगा या पॉइंट होगा, बच्चे अर्थशास्त्र के परिचय को दर्शाते हुए चार्ट बना सकेंगे, ये इसमें उनका कौशल शिक्षण हो जाएगा। फिर सहायक सामग्री, इस शिक्षण में यानी पढ़ाते समय किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, सहायक सामग्री में आपका चौक, डस्टर, पॉइंटर, लेफ्ट श्यामपट आदि। फिर पूर्व ज्ञान, पढ़ाने से पहले हम बच्चों को थोड़ा सा उनसे पूछेंगे कि पहले से उनको इस बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में क्या होगा, छात्र की, अध्यापक की क्रिया और छात्रों की क्रिया को हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। छात्र द्वारा पूछा जाएगा जिसके पास कुछ नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों का जवाब होगा निर्धन या गरीब कहते हैं। फिर क्वेश्चन होगा निर्धन को क्या मिल जाए तो उसकी निर्धनता समाप्त हो जाएगी, तो बच्चों का जवाब होगा धन या पैसा मिल जाए तो समाप्त हो जाएगी निर्धनता। फिर रुपये से जुड़ी बात किस विषय के अंतर्गत आती है, तो बच्चों का जवाब होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय के बारे में आप क्या जानते हैं, ये टीचर का सवाल होगा, तो बच्चे मौन होंगे या समस्यात्मक स्थिति में होंगे कि क्या होता है उनको मालूम नहीं है। फिर उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में हम बताएंगे बच्चों को कि ये क्या है, तो बच्चों से हम बताएंगे आज छात्रों आज हम अर्थशास्त्र का एक परिचय के अंतर्गत अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतीकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, शिक्षण बिंदु क्या है, क्रियात्मक प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, फिर अर्थशास्त्र का अर्थ स्पष्टीकरण देंगे कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ, जिसका अर्थ है धन, तथा शास्त्र जिसका अर्थ हुआ अध्ययन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। क्रियात्मक प्रश्न,
क्रियात्मक प्रश्न के बाद आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा में स्पष्टीकरण, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र फिर छात्र मौन, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि होगी और व्याख्यान विधि होगी। श्यामपट विवरण में अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ प्लस धन का अध्ययन, यानी कि हम इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। फिर उसके बाद दूसरा जो होगा धन का अध्ययन, और फिर प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में आएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि होगी, यानी कि जब हम पढ़ा रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसके बाद छात्र ध्यान से सुनेंगे और हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये हमने बच्चों को बताया। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, धन का विज्ञान है। लियोनेल रेविंसन के अनुसार वह विज्ञान जो मानव स्वभाव को वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोगों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन कराता है। फिर अर्थशास्त्र का महत्व, स्पष्टीकरण, अर्थशास्त्र के निम्नलिखित महत्व होंगे, सैद्धांतिक महत्व में ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांतों में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, विश्लेषण शक्ति में वृद्धि, अन्य शास्त्रों से संबंध का ज्ञान। फिर व्यवहारिक महत्व इसका होगा, उत्पादकों को लाभ, श्रमिकों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ, व्यापारियों को लाभ, ये हो गया हमारा व्यवहारिक महत्व, सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, छात्र हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और व्याख्यान विधि होगी। फिर जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक होता है। फिर आर्थिक नीतियों को निर्धारण में भी ये सहायक होता है। इसी तरीके से फिर क्रियात्मक प्रश्न लिखेंगे, फिर अर्थशास्त्र का क्षेत्र लिखेंगे, यानी कि उस चैप्टर में हम क्या क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी होंगी। क्रियात्मक पक्ष जो होगा आपका, अर्थशास्त्र को कितने, अर्थशास्त्र के कितने महत्व हैं, स्पष्टीकरण, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, सबसे पहले अर्थशास्त्र के मुख्यतः क्षेत्र निम्नलिखित हैं। प्रोफेसर किन्स के अनुसार उपभोग इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं, उपयोगिता, मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। उपभोग को अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। उत्पादन, उत्पादन इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, नियमों एवं लागत आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण दो महत्व, ये प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर लगाई करी जा रही है। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, फिर व्याख्यान विधि, और अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों ही है। अर्थशास्त्र केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, विनिमय इसके अंतर्गत मांग, पूर्ति, मुद्रा, बाजार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। विनिमय का मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान से होता है। वितरण इसके अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि का अध्ययन होता है। राजस्व इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, आय, ऋण तथा वित्तीय प्रशासन के नियमों एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं,
बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न में हमारा अर्थशास्त्र का क्या अभिप्राय है, अर्थशास्त्र के दो सैद्धांतिक महत्वों को बताइए, अर्थशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिर श्यामपट का सारांश, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर हमने क्या लिखा वो हमें लिखना है, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण और अवधि, इन सारी चीज़ों को फिल करेंगे। फिर अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उद्योग का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट टू, ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांतों में वृद्धि। पॉइंट थ्री, अर्थ प्लस शास्त्र, धन का अध्ययन। पॉइंट फोर, अर्थशास्त्र के पांच क्षेत्र। ये इतनी चीज़ें हमने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते समय मेंशन करी होती है। निरीक्षण एवं निर्देशन, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा को निरीक्षण करेंगे, यानी कि बच्चों से बोल देंगे कि आप नोट करिए और फिर आप विजिट करेंगे, पूरे क्लास में टहलेंगे, निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, किताब से हमें पुनरावृत्ति प्रश्न देना है, सही गलत बताइए, अर्थशास्त्र का अर्थ, धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र के दो क्षेत्र होते हैं, उपभोक्ताओं के लाभ सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत आते हैं। एडम के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर हम बच्चों को होमवर्क देंगे, यानी गृह कार्य देंगे, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तथा उसके क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई वीडियो चाहिए है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके आप मुझसे चैट कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर, और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक एमएड का, एमए का, बीए का सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई कंटेंट की नीड है तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के कंटेंट सर्च कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको अर्थशास्त्र में किस पॉइंट का या किस टॉपिक का आपको लेसन प्लान चाहिए। वैसे तो मैं 20 के 20 लेसन प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।